आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान आपको संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में मिलता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्यों में उचित और समान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। अनुच्छेद 36 के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 समान न्याय, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्त्री तथा पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना तथा धन का समान वितरण करना के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में लोगों द्वारा बेरोजगारी, वृद्धावस्था और रुग्णावस्था आदि की स्थिति में कार्य करने के अवसर, मजदूरी और जन सहायता की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 में कार्य करने की मानवीय दशाओं और प्रसूति दौरान आराम की व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 43 में आजीविका, मजदूरी और जीवन के लिए बेहतर स्तर का समर्थन तथा उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरों के हितों की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल कोड की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों को शैक्षिक, आर्थिक कल्याण में बढ़ावा देने और उनके सामाजिक अन्याय से बचाने की बात की गई है। अनुच्छेद 47 जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करने की बात की गई है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक रुचि, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की सुरक्षित रखने की बात की गई है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देने का बात की गई है। तो आज हमने संक्षेप में देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस तरह के हैं। हमारे संविधान में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसीलिए हैं कि हमारे देश को एक समान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में तब्दील किया जा सके। धन्यवाद।